जनपद मुरादाबाद में अखिल भारतीय अभियान प्रदेश की समस्त ट्रेड यूनियंस के साथ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने चल रही दो दिवसीय हड़ताल का समर्थन किया। साथ ही दो दिवसीय हड़ताल को लेकर मांग की गई कि चारों श्रम संस्थाओं को रद्द किया जाए, लागू श्रम कानूनों को खत्म करके लाया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए, दवा प्रतिनिधि हेतु नियमावली बनाई जाए आदि विभिन्न मांगों को लेकर सभी मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर करते हुए हड़ताल का समर्थन किया। जानकारी देते हुए यूनियन के अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा कि सरकार से मांग है, हम देशव्यापी हड़ताल पर है। सारी ट्रेड यूनियंस के साथ जो 1976 में सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉयज एक्ट बनाया गया था, सरकार ने जो अभी तक लागू नहीं किया है, जबकि उसके बदले चार श्रम कानून लेकर आ रही है। गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि सरकार श्रम कानूनों को लागू करे, अन्यथा जो पूंजीपति लोग हैं वो जब चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे और हमारे साथियों को निकाल देंगे। हमारी सरकार से मांग है कि इन सभी को निरस्त करके जो 1976 में सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉय एक्ट बनाया गया था उसको लागू किया जाए। मैं अजय चौधरी, अध्यक्ष यूपी मसारे मुरादाबाद यूनिट। हमारी सरकार से जो आज मुख्य मांग है, हम लोग हड़ताल पर, देशव्यापी हड़ताल पर हैं सारी ट्रेड यूनियंस के साथ, और जो 1976 में सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉय एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, वो अभी तक लागू नहीं किया गया, जबकि उसके बदले चार श्रम संहिताएं जो बिल है बोर्ड लेकर आ रही है गवर्नमेंट। तो हमारी मांग है कि वो जो बिल है उनको निरस्त करके श्रम कानूनों को लागू किया जाए, अन्यथा जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथ में सारा अधिकार होगा, वो जब चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे और हमारे साथियों को निकालेंगे। तो एक श्योरिटी जो होती है वो अनिश्चितता की स्थिति बनेगी, इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि इन श्रम संहिताओं को निरस्त करके जो 1976 में सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉयज एक्ट बनाया गया था उसको लागू किया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन और आगे जोर पकड़ेगा। साथ ही कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा।